आज हम बनाने वाले हैं प्रॉन टोकू। तो इसको बनाने के लिए मैं कुछ मीडियम साइज़ प्रॉन लिया हूँ और दो बड़े साइज़ के प्रॉन्स लिया हूँ। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। अभी हम प्रॉन्स को तेल में हल्का फ्राई कर लेते हैं और इसमें मैंने हल्दी, लाल मिर्च, जीरा पाउडर डाला हुआ है। एक बार ये गोल्डन ब्राउन जरा सा हो जाएगा हल्का सा, तो इस अनलॉक को निकाल देना है। प्रॉन करी बनाने के लिए मैं कुछ कटे हुए प्याज पेल ले रहा हूँ, और कुछ करी पत्ते, और एक छोटे से टमाटर, और मैंने लिया है प्याज अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाया था उसको कढ़ाई में डाल के इसको 5 से 10 मिनट हम लोग पकाते हैं धीमी आंच में। अभी मैं इसमें हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला बस डाला हुआ है और इसको और कुछ टाइम पकाते हैं ताकि इसका टेक्सचर चेंज हो जाए। अभी हमारा प्रॉन के लिए मसाला ऑलमोस्ट बन गया है, तो अभी हम लोग प्रॉन को ऐड कर लेते हैं इसमें और इसको कुछ टाइम मसाले के साथ पकने के लिए छोड़ लेते हैं। मैंने जानबूझ के बड़े प्रॉन्स कुछ लिए हैं ताकि बड़े प्रॉन्स का सेल से अच्छा सा टेस्ट आता है, फ्लेवर अच्छा आता है, तो इसको अभी फिर से कुछ टाइम पकने के लिए हम लोग छोड़ के वापस आते हैं। अभी हमारा प्रॉन टोकू या प्रॉन मसाला बोल सकते हैं जो कि तैयार है, तो आइए सर्व करके टेस्ट करके बताते हैं।